नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं जी न्यूज। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में, किताबों में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब बात यथार्थ की होती है तो तस्वीर कुछ और होती है, तस्वीर बदल जाती है। क्या लड़की होना कोई अपराध है कि हर कोई लड़के की चाहत रखता है? यहां तक कि लोग लड़के के लिए लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही हुआ। दो मां एक नवजात बेटे के लिए अस्पताल में ही लड़ने लगी। एक मां ने कहा कि ये बेटा मेरा है, दूसरी मां ने कहा ये बेटा मेरा है। एक रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बन के आपसे बेटियों की जिंदगी की देश का प्रधानमंत्री तब तक वो लड़का उठा लिए, लड़की को छोड़ दिए। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? बुलाए सुनीता के नाम से। पीएम मोदी का बेटी बचाओ अभियान एक तरफ, लोगों से बच्चियों की भीख मांगने की गुहार एक तरफ, और इंडिया वालों का तंग नजरिया एक तरफ। बेटियों के बिना इस जहान की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जब वही बेटी किसी की कोख से इस जहान में आती है तो कोई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। तस्वीरें लुधियाना की हैं, जहां सिविल अस्पताल में ऑपरेशन से दो महिलाओं को अलग अलग वक्त पर डिलीवरी हुई। एक महिला को लड़की हुई जबकि दूसरी महिला को लड़का हुआ, लेकिन माओं के नाम एक जैसे होने की वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई। लेकिन जब बात लड़की को अपनाने की आई तो दोनों माओं ने इनकार कर दिया। लड़की को अपनाने से इनकार करने वाली महिलाओं में से एक का नाम अनीता है जबकि दूसरी का नाम सुनीता। अनीता का दावा है कि लड़का उसका है। सुनीता के घर वालों ने धोखे से उसे हड़प लिया। बदला गया था, लेकिन फिर बहुत एती पंगा हुआ, तब मिला जाके ऑपरेशन हो गया, मेरा मुंडा हुआ, फिर वो निकल गया, बोले कि तुम्हारा लड़का हुआ। बोले ठीक है, बुलाए सुनीता के नाम से, उनका भी नाम सुनीता है, तो उन्हें लगा कि वो उनको बुला रहे हैं, लेकिन ये नीचे आ गई, दोनों बच्चे एक साथ में थे, और तब तक वो लड़का उठा लिए, लड़की को छोड़ दिए। वहीं सुनीता के पति हरविंदर सिंह का दावा है कि लड़के का असली पिता वही है। खुद अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे लड़का होने की बधाई दी थी। मैं दो बारी पूछा भी, सुनीता कहना हाँ सुनीता कपड़ा दो, ऐसे कपड़ा देता हूँ, मेरे को बच्चा लेके आया, कहना सहन कर दे, फैलते फैल है खुली हुई इस तरह, मैं उसे सहन कर दे, मैंने कहा डेडे बेटा होया बताइया। अनीता और सुनीता के दावों से इतर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि लड़का असल में अनीता का ही है, लेकिन नाम एक जैसा होने की वजह से वो सुनीता के घर वालों के पास चला गया था। असल में अनीता की बहन का नाम भी सुनीता है और डिलीवरी के वक्त वो अस्पताल में ही थी, लेकिन जब उसे डॉक्टरों ने आवाज दी तो वो नहीं आई। इसी बीच दूसरी माँ जिसका नाम सुनीता है, उसके घर वालों ने ये समझा कि लड़का सुनीता को हुआ है, तो उन्होंने डॉक्टरों से लड़का ले लिया। थोड़ी देर बाद जब पता चला कि दोनों बच्चों में से एक लड़की है तो कोई उसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अनीता ने कहा कि लड़की का जन्म सुनीता की कोख से हुआ है, जबकि सुनीता ने कहा कि लड़की अनीता की है। अब इसका फैसला डीएनए टेस्ट से होगा। डीएनए उन्होंने कहा है, डीएनए करा सकते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कराना चाहते हो तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन। यह हमारे समाज की एक बेहद शर्मनाक सच्चाई है। एक तरफ तो हम मंगलयान की बात करते हैं, दुनिया के विकसित देशों में अपना नाम शुमार करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम लड़कियों को लेकर अपनी तंग सोच से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हैरानी की बात है, हैरानी होती है कि बेटियों को लेकर इस तरह की घटना सामने आती है, इस तरह का वाकया होता है। हॉस्पिटल में जन्म देने वाली माएं ही आपस में लड़ने लगती हैं कि बेटी उनकी नहीं है, दूसरी मां कहती है कि बेटा उनका है। इस वक्त मेरे साथ अनीता एक माँ है, जिन दो बच्चों का जन्म है उनमें से एक की जो माँ है वो अनीता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही डॉक्टर हरप्रीत हैं जो उसी हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका हॉस्पिटल क्या कहता है, बेटी किसकी है और बेटा किसका है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जो बेटा है जी वो अनीता का है और बेटी सुनीता की है जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब फिर?
एक्चुअली जिस दिन ये पहले अनीता का सर्जेरियन हुआ था जी, तो उसका बेबी जो मेल बेबी उसको हुआ था, जो उसको उसी समय सर्जेरियन के वक्त बता दिया गया था कि तुम्हारे मेल बेबी हुआ है, तो उसके बाद जो है क्योंकि हमने बेबी जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं उनको हैंडओवर करना होता है, तो हमने बाहर जब मतलब आवाज लगाई कि अनीता के साथ कौन है, तो पहले मतलब कि वहां पे कोई भी नहीं था, जैसे कि अनीता ने बताया कि उसकी बहन नीचे चली गई थी, फिर हमने वही बात अंदर अनीता से जाके बोला कि तुम्हारे साथ कौन आया है, तो उसने बोला कि मेरी बहन आई है जिसका नाम सुनीता है जी, तो फिर हमने मतलब बाहर जाके बोला कि अनीता की बहन सुनीता कौन है, तो गलती से सुनीता का जो घर वाला आ गया तो उसने अनीता की फाइल पे ही जो है बेबी वो रिसीव कर लिया, एक्चुअली बेटा जो है अनीता के ही हुआ है जी, बेटा अनीता का है और बेटी जो है वो सुनीता के। मेरे साथ इस वक्त अनीता जी जुड़ी हुई है। अनीता जी, आपकी गोद में जो बच्चा है वो आपका बच्चा है, वो बेटी है या बेटा है? लड़का है। आपको फर्क पड़ता है कि लड़का होता या लड़की होती? नहीं, मेरा लड़का है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लड़की होती तो फर्क पड़ता है क्या आपको? नहीं, कोई फर्क नहीं, जो मेरे नसीब में होता वही होता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैम फिर लड़ाई किस बात मेरे नसीब में लड़का था तो लड़का आया, फिर मैम लड़ाई किस बात? लड़ाई तो उन लोगों ने कर रखा है ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। परेशानी तो है ना कि आप भी कह रही हैं कि नहीं बेटी को नहीं रखूंगी मैं, आप खुद एक माँ है, खुद एक बेटी है। तो मेरी तो है ही नहीं तो मैं क्या रखूं, जब मेरी बच्ची होती तो मैं उसे तो खुद रख लेती, मेरी बच्ची है ही नहीं तो मैं दूसरे का बच्ची क्यों रखूं। चलिए ठीक है, आपकी ये बात मैं मान लेता हूं कि आपको बेटा हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको बेटी हुई होती तो क्या आप तब भी लड़ाई करती? नहीं, मेरी लड़की रहती तो मैं क्यों लड़ाई करती? अगर तो मान लीजिए अगर गलती से बेटी आपके पास आ गई तो इसमें क्या दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अजीब हाल है, मैंने लड़का को जन्म दिया और मैं लड़की रख लूं, ये कहां की नाइंसाफी है? नहीं तो बात तो यही है ना कि ये बेटा और बेटी में फर्क करती है, इसका मतलब आप? फर्क मुझे कुछ नहीं है जी, जिसको जन्म माँ तो एक माँ होती है और बच्चा तो एक बच्चा होता है, लड़की और लड़का में कोई फर्क नहीं मानते हैं, लेकिन जिस कोख में रखता है जो आदमी जो उसे जन्म देता है उसी को रखता है, दूसरे को बच्चे को मैं क्यों रखूं? मैं रख के खुश नहीं रह सकती हूँ कभी नहीं। अब डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। और डीएनए टेस्ट में पता लगा कि बेटी आपकी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं हर तरह से तैयार हूँ। डीएनए टेस्ट होने में की रिपोर्ट आने में तो 6 महीने का कम से कम वक्त लगेगा, लेकिन तब तक अगर मान लीजिए पता लगा डीएनए टेस्ट के बाद कि बेटी आपकी है तो 6 महीने तक आपकी बेटी आपसे दूर रहेगी, उस बात का अफसोस नहीं होगा कि आपको बात दूर रहे तो क्या हुआ, वो साल भर के लिए भी दूर रहेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं जी। चलिए डॉक्टर हरप्रीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब जो दूसरी महिला है सुनीता, उनकी क्या शिकायत थी और फिर किस तरह से आप समझा बुझाकर आपने दो बच्चों को, दो माओं को दी? जी, हमने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि आपके मतलब बेटी हुई है तो आपने जो फाइल पे साइन किए हैं वो नीता की फाइल पे ही साइन कर दी, मतलब कि आपसे गलती हो गई है, एक्चुअली गलती इसके कारण हो गई क्योंकि नीता की बहन का नाम भी सुनीता था और अनफॉर्चुनेटली जो बाद में जिस पेशेंट का ऑपरेट होना था उसका नाम भी सुनीता था, तो इसलिए जो है गलती हो गया थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं जी। डॉक्टर साहब जब आपकी सुनीता से बात हुई, जब बच्चे को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो फिर किस तरह से आपने सुनीता को समझाया, सुनीता ने आपसे क्या कहा? सुनीता ने नहीं जी, सुनीता के घर वाले ने मतलब के कहा कि मुझे जो है बेटा दिया गया था, तो फिर हमने उनको बताया कि जो देखो अनीता का जो सर्जेरियन है वो पहले हुआ था, 11:29 को उसकी मेल बेबी पैदा हुआ था, जो सुनीता का है, सुनीता का जो है उसके बाद ऑपरेट हुआ है, तो हमने उनको ये भी बताया कि जिस समय
सिजेरियन चल रहा होता है तो वहाँ पे तीन डॉक्टर्स होते हैं प्लस स्टाफ नर्स होती है प्लस क्लास होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं। तो तीनों डॉक्टरों ने मतलब सर्टिफाई किया है और उनको बताया भी है कि वहाँ पे कि आपके बेटी हुई है। तो जी डॉक्टर साहब, अनीता जी भी हमारे साथ हैं। अनीता जी, आपकी सुनीता जी से बात हुई, सुनीता जी जब ये कह रही हैं कि बेटा उनका है और बेटी आपकी है, तो फिर किस तरह से अब अभी जो बच्चे आपके पास हैं वो आप लोगों के पास गए, क्या बात हुई आपकी सुनीता से? मेरी तो कोई बात नहीं हुई जी, आपके परिवार की बात हुई? वो लोग खुद झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, हाँ मेरी बहन तो यहीं पे है जी। चलिए शुक्रिया तो हमसे बात करने के लिए अनीता आपका भी और साथ ही डॉक्टर हरप्रीत आपका भी। तो बेटी को लेकर झगड़ा हुआ, दो माएं आपस में लड़ी और परिवार भी आपस में लड़ा, क्योंकि दोनों का ही कहना यह था कि जो बेटा जन्मा है वो उनका है और बेटी उनकी नहीं है। सवाल ये है कि बेटी को लेकर लड़ाई क्यों? क्या बेटी को वो तमाम हक नहीं है जो बेटे का है? क्या बेटी इस दुनिया में वो सभी काम नहीं कर सकती है जो बेटे कर सकते हैं? फिर सवाल यही है कि फिर इतनी लड़ाई किस बात के लिए?